पब्लिक टीवी आपकी आवाज़। बटी आप यहाँ आई हैं, आपसे चला भी नहीं जा रहा था, क्या करने आई हैं? वोट डालना है। वोट डालना है, क्या सोच कर आई? अपना देश जीते। देश जीते, हाँ। क्या चाहती हैं कि बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, देश के लिए क्या होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए बच्चों के लिए। कौन सा वोट डाला है आज? हमने कितने वर्ष वाले पहले हैं, कितनी उम्र है आपकी? आपका वोट? मेरी 76 है। आते रहते हैं हम तो, हर साल आती हूँ, है तो रहते हैं मुरादाबाद में। आज मैंने अपना पहला वोट डाला है तो मुझे काफ़ी इन्वॉल्व लग रहा है कि अपनी कंट्री की आगे भविष्य को डिसाइड करने में मैंने पार्टिसिपेट किया। और लास्ट में एक्चुअली अपने फर्स्ट टाइम वोट पहली बार डाल नहीं सकी थी बिकॉज अपने एजुकेशन की वजह से मैं बाहर थी, बट दिस टाइम आई फील रियली हैप्पी कि मैं जो है पार्टिसिपेट कर सकी हूँ। और मुद्दे हमारे देश में इस बार काफ़ी उठे हैं, जैसे कि बेसिकली एज अ स्टूडेंट मैं एजुकेशन से रिलेटेड जो है वोट डालना चाहती थी, मतलब एजुकेशन के मुद्दे से रिलेटेड जो है अपने कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करना चाहती थी, तो उससे रिलेटेड जो है मैंने वोट डाला है। जो आपका कैंडिडेट होने वाला है, जो नई सरकार होने वाली है, क्या उम्मीदें रहेंगी, क्या उम्मीदें होंगी आपको, क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? यही कि जो है स्टूडेंट्स को जो है मतलब देश में एक तो एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़े और हमारे जो है इन्वायरमेंट जो है उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी जो है इम्प्रूवमेंट का काम चले और लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले और हमारे कंट्री में जो है जो भी भ्रष्टाचार है वो सब कम हो। विधायक जी, आप मतदान करने आए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या करके क्या सोच के मतदान किया, क्या रहेगा पूरा देश का, क्या माहौल रहेगा? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश से 60 से ज़्यादा गठबंधन की सीटें आ रही हैं और पूरा मुरादाबाद लोकसभा आज साइकिल के और गठबंधन के रंग में रंगा हुआ है। जो लोग कहा करते थे, हम उनसे कहते थे कि 22 तारीख की रात बताएगी मुरादाबाद की जनता, 22 तारीख की रात को फैसला करेगी, और मुरादाबाद लोकसभा की जनता ने 22 तारीख की रात को फैसला कर लिया। मुरादाबाद लोकसभा हम 2,00,000 वोट से जीत कर जाएंगे। नहीं, एक प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनको लेकर के काफ़ी सरगर्मी रही है पिछले 5-7 दिनों में, ये मतलब क्या मानते हैं प्रत्याशी को जो कांग्रेस वाले हैं? देखिए, आज कहाँ हैं, रात ही कहाँ रहे। मुरादाबाद की जनता एक तरफा फैसला लेती है और वो फैसला ले लिया। हम अपनी तकरीरों में कहते थे, हम अपने भाषणों में कहते थे कि ये मुशायरा सुनने का समय नहीं है, ये फैसला लेने का टाइम है, ये मुस्तकबिल का फैसला है और ये देश के भविष्य का फैसला है। देश को बचाना है, देश कमज़ोर हो रहा था, इसलिए जनता ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए फैसला किया है और उत्तर प्रदेश ही देश को रोकेगा। नहीं, अभी आपने कहा है कि देश कमज़ोर हो रहा है, किस प्रपस का आपने, क्या प्रपस है, क्यों कहा गया? मतलब देश तो बिल्कुल कमज़ोर हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था ख़त्म हो गई, अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई, देश पैसे से टूट रहा है, नीलम मोदी और विजय माल्या जैसे लोग सब गरीबों के खून पसीने कमाई लेकर फरार हो गए। आज तमाम देश में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री जिसमें 10,000 मजदूर काम करता था, वो सब नीलाम हो रही है, टूट रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया है, और बधाई देते हैं हम माननीय अखिलेश यादव जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई और बहन कुमारी मायावती जी को बधाई। इस बढ़िया समय में, इस खतरनाक दौर में, जो खतरनाक दौर था देश के लिए, उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकेगा, क्योंकि देश का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरा। शुक्रिया। बार वोट डाला है। कैसा महसूस किया वोट डालकर? 91, 93, 96, 2002, 2007, 2009, 2012, 2014, 2017 और 2019। कैसा महसूस किया वोट डालकर? हमेशा ऐसे लगता। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिए? हमको संदेश देना चाहिए, जो संदेश दे रहा था परिवार हमारा, पूरी लोकसभा
हम संदेश दे चुके हैं, अब परिवार का कर्तव्य फर्ज निभाते हैं अपना। अब आज की क्या प्लानिंग है? अब बूथों में घूमना चाहिए, 6 साल घूमते हैं। अभी तक कहीं से कोई सूचना नहीं, कोई मशीनों की शिकायत आ रही थी, वो टेलीफोन जगह कर रहे हैं। सब सामान्य करना है, कोई धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, हमको सबका विकास करना है। ये बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये धर्म के लोग जो हैं वो अपनी वोटें न बांटो और एक तरफा होकर मिलकर पूरी आप वोट डालिएगा। ये समाज को बांटने वाली बातें हैं, ये बहुत खतरनाक बातें हैं, भयंकर खतरनाक बातें हैं। आप देश को किस तरफ को लेके जाने वाले हैं, खतरनाक बातें हैं। इसी बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसमें विभाजन हो जाएगा, मोहल्लों मोहल्लों में विभाजन हो जाएगा, गांव में विभाजन हो जाएगा, शहरों में विभाजन हो जाएगा, जिलों में विभाजन हो जाएगा इसके आधार पर। और ये मामला, मैं तो लोगों से अपील यही करूँगा कि चुनाव खत्म होने के बाद इसको भूल जाए, क्योंकि अगर मन में ही लोगों ने रख लिया, कुछ लोग रख भी सकते हैं, इसको रख लिया तो टकराव होगा, ठीक सर, समाज में टकराव होगा। तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, उसके बाद में आज हम पहुंचे हैं दयानंद कॉलेज, जहां पर लोग मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में पंचायत राज मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और उन्होंने भी एक अच्छी सरकार को चुनने के लिए अपने मत का इस्तेमाल किया। सबसे पहले जानेंगे कि क्या क्या रुझान है और किस तरीके की स्थिति इस वक्त चले। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रुझान चल रहा है। आप भी यहाँ मतदेय स्थल पर उपस्थित हैं, सभी बूथों पर, सभी मतदान कक्षों पर बड़ी भीड़ लाइन लगी है। जनता अपने लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रही है कि उसका कैसे मत डालने का उसका अवसर में उसको मिले। तो लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और जिस प्रकार के काम देश की सरकार ने 5 वर्षों में और राज्य सरकार ने 2 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र ने लोगों के काम किए हैं, उसमें जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के और हमारे नेतृत्व के प्रति बढ़ा है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये बढ़ती हुई संख्या, मतदान स्थल पर लोगों की भारी भीड़, ये संकल्प लेकर आई है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है और नरेंद्र मोदी जी को एक बार पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ, लेकिन जिस तरह से देखें गठबंधन है, कांग्रेस है, उसकी वो कहाँ स्थिति में रहती है? नहीं, गठबंधन तो जनता का गठबंधन नहीं है, नेताओं ने गठबंधन किया है और वो अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने गठबंधन किया। वो अकेले कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का देश के प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने गठबंधन किया है। लेकिन जनता मन बना चुकी है, जनता का एजेंडा फिक्स है, देश समाज का विकास, गरीबों का कल्याण, दुनिया में भारत का सम्मान, इस संकल्प के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। आप मुरादाबाद में अगर सीट की बात करें तो मुरादाबाद में क्या स्थिति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश कुमार सिंह जी को दोबारा जनता मुरादाबाद की संसद में भेजने का मन बना चुकी है। कहीं अगर गठबंधन की स्थिति रहे, कांग्रेस की स्थिति रहे, क्या कहीं मुकाबला किससे? नहीं, अभी इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारा क्लीनशिप है, कोई समस्या नहीं है, लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। अभी एक बयान भी आया था, एक मोहम्मद आजम खान ने एक बयान दिया था महिलाओं को लेकर, क्या मानते हैं, क्या समाजवादी पार्टी की महिलाओं के प्रति क्या सोच है? एक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह जी के भी अनेकों बार के बयान आए हैं और आजम खान भी बयान, और उनके सपा के लोग जिस तरह के उनके राज में अराजकता, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ वो लोग करते हैं, तो महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता स्पष्ट झलकती है। और आजम खान पहले भी बयान भी रहे, बयान देते रहे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार चुके हैं, जनता उन्हें नकार चुकी है और इस तरह के बयानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जिस तरह वो बयान दे रहे हैं कि हमें ध्रुवीकरण हो जाएगा, लोग हमारे पक्ष में सहज मतदान करेंगे, समाज के सभी वर्ग, रामपुर के और देश के सभी लोग, हमारे माता बहन सब संकल्पित हैं, बहन का सम्मान है कोई भी हो, और उन्हें इस तरह का बयान देकर उन्होंने अपने लिए बहुत समस्या खड़ी कर ली। मुरादाबाद में लगभग 2014 में लगभग सभी सीटों पर भाजपा काबिज रही थी, तो इस बार क्या स्थिति है? इतिहास दोहराया जाएगा और निश्चित रूप से हम जितनी बार सीटें हमें पिछली बार मिली थी, इस बार हम लोगों को उससे अधिक उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संकल्प है 74+ हम लेकर आएंगे, निश्चित रूप से 74 से अधिक सीटें जीतेंगे।